हेलो गाइज, आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज फाइनली एसएससी जीडी 2024 का एडमिट कार्ड जारी हो गया है। तो इस वीडियो को हम पूरा कंप्लीट प्रोसेस आपको हम बतलाने वाले हैं कि एडमिट कार्ड को कैसे डाउनलोड करना है। तो वीडियो को लास्ट देखिए और हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस चैनल पर आपको सभी जॉब का, सभी एग्जाम का हर अपडेट आपको सबसे पहले दिया जाता है। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एडमिट कार्ड को कैसे डाउनलोड करना है तो इस वीडियो को हम बतलाते हैं। तो आपको सबसे पहले आ जाना है अपने मोबाइल के गूगल या क्रोम में। यहाँ पर आपको सर्च बार में लिखना है SSC, इस तरह का लिखना है। SSC लिखकर आपको सर्च करना है। तो आप जैसे ही सर्च करते हैं फिर आपको नीचे आना है। फिर यहाँ पर एक आपको वेबसाइट देखने को मिलेगा स्टाफ सेलेक्शन कमीशन का, तो आपको इसी पर क्लिक करना है। तो आप इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको इस तरह का यहाँ पर इंटरफेस खुलकर आएगा। और यहाँ पर आपको जो यहाँ पर ऊपर में आपका ढेर सारा यहाँ पर ऑप्शन है जो देखने को मिलेगा। अगर आपको इस तरह का ऑप्शन नहीं मिलता है तो आप सिंपल सा यहाँ पर 3 डॉट पर यहाँ पर क्लिक करके अपने मोबाइल को डेस्कटॉप साइड में करना है। यहाँ पर नीचे आना है और यहाँ पर आपको मिलेगा डेस्कटॉप साइड का ऑप्शन, तो यहाँ पर आपको टिक आउट कर लेना इस बॉक्स में। तो आपको जो यहाँ पर इस तरह का यहाँ पर इंटरफेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर आपको एडमिट कार्ड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आप इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करते हैं फिर आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पर आपको ढेर सारा यहाँ पर लिंक है जो देखने को मिलेगा सभी स्टेट का। तो यहाँ पर है जो बहुत सारे स्टूडेंट का है जो यहाँ पर एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने में दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा लिंक दिया गया है और कौन सा स्टेट का कौन सा लिंक है तो है जो न्यू स्टूडेंट का यहाँ है जो पता ही नहीं चलता है। तो चलिए उस कन्फ्यूजन को हम दूर करते हैं कि कौन सा स्टेट है जो कौन सा रीजन में आता है। तो सबसे ऊपर से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि यहाँ पर आपको लिखा गया है कोलकाता वेस्ट बंगाल। तो जो भी स्टूडेंट कोलकाता वेस्ट बंगाल से होंगे तो वो है जो क्लिक करेंगे ईस्टर्न रीजन पर, वो है जो ईस्टर्न रीजन में आते हैं। और फिर यहाँ पर आपको दिया गया है दूसरे नंबर में बेंगलुरु कर्नाटका, तो ये है जो कर्नाटका केरला रीजन में आते हैं। फिर आपको यहाँ पर दिया गया है नीचे, तो यहाँ पर आपको दिया गया है चेन्नई तमिलनाडु, तो यहाँ पर यह है जो साउथ इंडियन रीजन में आता है। फिर यहाँ पर दिया गया है असम सचिवालय दिसपुर गुवाहाटी, ये है जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आता है। फिर यहाँ पर दिया गया आपको मुंबई महाराष्ट्र, तो ये है जो आपको वेस्टर्न रीजन में आता है। फिर यहाँ पर आपको दिया गया है अनूपनगर रायपुर छत्तीसगढ़, ये है जो आपको मध्य प्रदेश रीजन में आता है। फिर यहाँ पर दिया गया है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश और बिहार, जो भी स्टूडेंट इलाहाबाद उत्तर प्रदेश और बिहार से होंगे तो यहाँ पर यह जो सेंट्रल रीजन में आते हैं। फिर यहाँ पर आपको यहाँ पर दिया गया है छत्तीसगढ़, तो यह है जो आपको नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में आता है। फिर दिया गया है न्यू दिल्ली, तो यह है जो आपको नॉर्थ इन रीजन में आता है। तो चलिए सभी को हम बारी बारी से चेक करते हैं। तो सबसे ऊपर से हम स्टार्ट करते हैं ईस्टर्न रीजन से। तो जो भी स्टूडेंट कोलकाता वेस्ट बंगाल से होंगे तो क्लिक करेंगे यहाँ पर ईस्टर्न रीजन पर। तो आप इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। फिर आपको नीचे आ जाना है स्क्रॉल डाउन करते हुए। तो आप जैसे ही नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक नोटिस यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा नो आवर स्टेटस ऑफ कॉन्स्टेबल GD, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो आप वहाँ पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको इस तरह का यहाँ पर इंटरफेस खुलकर आएगा। तो यहाँ पर आपको से मांगा जा रहा है रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर, तो यहाँ पर इस बॉक्स में आपको डाल देना है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ पर अपना नाम भी डाल सकते हैं। फिर यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर इसे चूज करना है। फिर यहाँ पर इस कैप्चा को जोड़कर इस बॉक्स में लिखना है। फिर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है तो आपका एडमिट कार्ड जो खुलकर आ जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं दूसरा रीजन का। तो जो भी स्टूडेंट बेंगलुरु कर्नाटका से होंगे तो क्लिक करेंगे यहाँ पर कर्नाटका केरला रीजन पर। तो आप इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको इस तरह का इंटरफेस खुलकर आएगा। फिर आपको नीचे आना है स्क्रॉल डाउन करते हुए और यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका लिंक है जो दिया गया है यहाँ पर नीचे में। यहाँ पर देख सकते हैं क्लिक हियर टू नो द एप्लीकेशन स्टेटस, यहाँ पर कॉन्स्टेबल GD आपका है जो लिख गया है। और फिर यहाँ पर आपका है जो एग्ज़ाम डेट दिया गया है कि 20 फरवरी से 7 मार्च तक आपका एग्ज़ाम है जो चलने वाला है GD का। तो सिंपल सा आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो आप यहाँ पर जैसे ही क्लिक करते हैं फिर आपको जो इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर आएगा। फिर आपको नीचे आ जाना है
और फिर यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर को डालना है इस बॉक्स में, यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ को डालना है, फिर यहाँ पर टिक लगाना है, फिर यहाँ पर आपको क्लिक करना है तो आपका एडमिट कार्ड जो खुल कर आ जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं साउथ इंडियन रीजन का। तो यहाँ पर साउथ इंडियन रीजन है, तो जो भी स्टूडेंट चेन्नई तमिलनाडु से होंगे तो क्लिक करेंगे यहाँ पर साउथ इंडियन रीजन पर। तो आप इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको इस तरह का इंटरफेस खुल कर आएगा। फिर आपको नीचे आ जाना है स्क्रॉल डाउन करते हुए, और इसका लिंक है सबसे ऊपर में इसका दिया गया, यहाँ पर देख सकते हैं कॉन्स्टेबल जी डी आपको लिखा गया है। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है नो आवर स्टेटस पर। तो यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको इस तरह का इंटरफेस खुल कर आएगा। फिर यहाँ पर है जो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, फिर यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को डालना है, और फिर यहाँ पर आपको है जो क्लिक करना है तो आपका एडमिट कार्ड जो खुल कर आ जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का। तो यहाँ पर इसका लिंक दिया गया है, तो जो भी स्टूडेंट असम से चले दिसपुर गुवाहाटी से होंगे तो क्लिक करेंगे यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पर। तो आप इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको जो इस तरह का इंटरफेस खुल कर आएगा, यहाँ पर थोड़ा लोडिंग ले रहा है। फिर आपको नीचे आ जाना है स्क्रॉल डाउन करते हुए, और यहाँ पर आपको देखना है नीचे में, तो यहाँ पर इसका लिंक अभी एक्टिव नहीं हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका लिंक अभी एक्टिव नहीं हुआ है, तो अभी सिर्फ तीन ही रीजन का लिंक एक्टिव हुआ है, यहाँ पर ईस्टर्न रीजन और कर्नाटका केरल रीजन और साउथ इंडियन रीजन, और बाकी सभी रीजन नीचे है तो इसका लिंक अभी एक्टिव नहीं हुआ है। बाकी यहाँ पर 10 से 11 फरवरी ला यहाँ पर सभी का लिंक है जो यहाँ पर एक्टिव हो जाएगा। तो जैसे ही सभी का लिंक एक्टिव होता है आपको फिर से अपडेट करने के वीडियो बनाकर, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा।